ये फालतू की ड्रामेबाजी, झूठे सच्चे आरोप, ये जो भाजपा ही करते हैं, कभी एमपी साहिबा करती हैं, कभी ये कुछ दलाल यहाँ घूम रहे हैं जिनका काम ब्लैकमेलिंग का है, राजनीति वो करते रहते हैं। मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा कि इनको इग्नोर करें, जो काम हो रहा है उसकी प्रशंसा करें। आप विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, सिंचाई की बात करो, पीने के पानी की बात करो, बिजली की बात करो, और ये लोग मान रहे हैं। आज कामा में सिंचाई का इतना बड़ा नेटवर्क फैल रहा है। कामा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से चंबल के पानी की मांग चल रही थी। जो सपना चौधरी तैयब हुसैन ने देखा, उस सपने को कामा विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने पूरा किया है। चंबल का पानी काफ़ी बरसों बाद कामा में पहुंचा है और अब शीघ्र ही कामा क्षेत्र के लोगों को चंबल का पानी मिलने लग जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी सदस्य और पूर्व प्रधान जलीस खान। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से चंबल का पानी कामा में पहुंचा है। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कामा क्षेत्र के लोगों को चंबल का पानी लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का भी और जिन लोगों ने भी इसमें मदद करी है। लेकिन मैं ये बता दूं कि चंबल परियोजना भरतपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ी देन वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत साहब की है। जब वो इससे पहले टेन्योर में मुख्यमंत्री थे, उस वक़्त उन्होंने इस परियोजना को शुरू करवाया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि उनके कार्यकाल में जितना काम हुआ, सरकार बदल गई और बीजेपी की सरकार आने के बाद ये काम लगभग बंद हो गया। जो पानी 2014 में कामा को मिलना चाहिए था, वो पानी 6 साल के बाद 2022 में यहाँ मिलने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उन भाजपाई के लोगों से जो ये आरोप लगाते हैं कि कामा में विकास नहीं हो रहा, वो बताएं ये जो पानी आ रहा है इसको वो किस श्रेणी में रखते हैं। क्या वो उनको नहीं लगता कि अगर वो कुछ काम करते तो एक कामा की जनता जो है वो 6 साल पहले मीठा पानी पीती। मैं मुख्यमंत्री महोदय का और जाहिदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कामा क्षेत्र के लोगों की तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। तैयब साहब ने कामा क्षेत्र में विकास की नींव रखी थी और उस नींव को बराबर मंजिल बनाने में उनका पूरा योगदान और उनकी पूरी मेहनत है। जो काम इस क्षेत्र में अब हो रहे हैं, उससे पहले जितने भी विधायक यहाँ रहे, करना तो दूर उनकी सोच भी ये नहीं थी। और अब ये पानी यहाँ आ रहा है, बहुत शीघ्र इसका विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा। अभी लाइनों की टेस्टिंग चल रही है, लाइनों की जो क्लीनिंग है वो चल रही है। मैं समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर पानी प्रॉपर कामा शहर को और आसपास के गांवों को मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। चंबल का पानी लाने के लिए मरहूम चौधरी तैयब हुसैन ने सपना देखा था। जब वो धौलपुर के प्रभारी थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में गहलोत साहब से चर्चा की थी। तैयब साहब ने सही मायने में यहाँ के लोगों को ये सिखाया है कि विधायक का काम विकास का काम कराना होता है। उसका काम थाना तहसीलों में दलाली करना, करवाना, दलालों को पनपाना नहीं है। ये जो संस्कृति यहाँ पहले चल रही थी उसका खात्मा करने का काम उन्होंने शुरू किया और वो अपने कार्यकाल में रहते रहते ही इस समस्याओं को ख़त्म कर चुके थे। और उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, सिंचाई की बात करो, पीने के पानी की बात करो, बिजली की बात करो, इन सभी क्षेत्रों में जितना काम पिछले 20 सालों में कामा में हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये लोग मान रहे हैं आज कामा में सिंचाई का इतना बड़ा नेटवर्क फैल रहा है कि गांव-गांव में मैं जाता हूं, लोग कहते हैं साहब आपने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सुधार दी। और किसान को पानी मिल जाए सिंचाई के लिए, लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाए, लोग मोल पानी खरीद रहे हैं, एक एक मटका पानी खरीद रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन है इस इलाके के लिए। और मैं समझता हूँ कि लोगों की बहुत डिमांड थी इसके लिए, कोई नहीं कर पाया, लेकिन जाहिदा जी ने वो किया है जो कोई ना सोचता था ना कोई कर पाया। आप नाकामा से विधायक बने 3 साल हो गए और 3 साल लगे चंबल का पानी लाने में। पहले प्रोजेक्ट जब पिछली बार आप विधायक थे तब प्रोजेक्ट आपने चालू कराया, 3 साल लगे, किस कारण से 3 साल लगे? चंबल का प्रोजेक्ट 2014 में यहाँ पानी आना चाहिए था, क्योंकि पिछली दफ़ा जब जाहिदा जी चुनाव हारी थी उससे पहले कामा में तकरीबन सभी GLRO को लैंड अलॉट हो गई थी, टेंडर हो गया था और लाइनिंग का काम शुरू हो गया था। जब सरकार बदली, वो विधायक का चुनाव हार गई, यहाँ बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी के विधायक आए, 10% भी काम चंबल का वो नहीं करवा पाए।
वो क्यों नहीं करवा पाए, ये सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है क्यों नहीं करवा पाए। बहरहाल वो नहीं करवा पाए, लोग कहते रहे, झूठे आश्वासन देते रहे, झूठी बातें करते रहे, लेकिन जैसे ही जाहिदा जी MLA बनी, उन्होंने पहला काम सबसे ये किया चंबल परियोजना को पुनः स्पीड से चालू किया जाए। और उनकी मेहनत और लगातार मॉनिटरिंग का नतीजा है कि 70-80% काम इस कार्यकाल में उन्होंने 3 सालों में पूरा कराकर और कामा क्षेत्र को पानी दिया है। मैं समझता हूँ अगले 3 महीने में पहाड़ी क्षेत्र को भी पानी मिल जाएगा। वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जहां जहां भी कोई विभागीय दिक्कत आ रही है उनकी मदद कर रही है, और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों पर है। ये फालतू की ड्रामेबाजी, झूठे सच्चे आरोप, ये जो भाजपा ही करते हैं, कभी MP साहिबा करती हैं, कभी ये कुछ दलाल यहाँ घूम रहे हैं जिनका काम ब्लैकमेलिंग का है, राजनीति वो करते रहते हैं। मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा कि इनको इग्नोर करें, जो काम हो रहा है उसकी प्रशंसा करें और उसमें सहयोग भी करें। ये थे PCC सदस्य और पूर्व प्रधान जलीस खान, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कामा विधायक एवं शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने चंबल का पानी लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, और उन्होंने राज्य मंत्री जाहिदा खान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री सहित सभी का आभार व्यक्त किया है, और कामा क्षेत्र की जनता को यह पानी की सौगात अब शीघ्र ही विधिवत रूप से उद्घाटन के बाद मिलने लग जाएगी।